मंगलवार को प्रेरक संघ गोरखपुर के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे के नेतृत्व में नगर निगम पार्क में वेतन बकाया के संबंध में आवश्यक बैठक किया। प्रेरकों ने कहा कि 18 जून से प्रारंभ हुए अनिश्चितकालीन धरने के 19वें दिन महापौर सीताराम जायसवाल के आश्वासन पर 7 जुलाई को धरना स्थगित हुआ था। महापौर द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार को पत्राचार के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर सरकार की उदासीनता नजर आ रही है। यदि सरकार तत्काल हमारी मांगों पर 10 दिनों में कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह, मनोज यादव, भुवनेश चंद, गिरिजेश पाठक, जितेंद्र पांडे, ओमेंद्र यादव, मोहन लाल, ब्रजेश यादव और रुखसाना खातून सहित अन्य प्रेरक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष प्रेरक संघ मृत्युंजय पांडे ने कहा, कार्यों का यहाँ पर पुनः जुटना पड़ा और जुटने की मांगों 40 महीने का मानदेय बकाया इसके 5 लाख प्रेरक उठाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग दिया जाए इसको। मृत्युंजय पांडे, जिला अध्यक्ष प्रेरक संघ गोरखपुर। प्रेरक संघ गोरखपुर का धरना 18 जून से लगातार चल रहा था। 7 जुलाई को माननीय महापौर जी के आश्वासन पर हम लोगों ने धरना स्थगित किया था और हमारे ही साथ 18 जून से बुलंदशहर के हमारे प्रेरक साथी आज लगभग 50 दिन हो गया वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7-8 दिन का उनका भूख हड़ताल हो गया, वह प्रेरक हित के लिए अपनी जान तक कुर्बान देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अलीगढ़ में अलग धरना हो रहा है, बलरामपुर में अलग हो रहा है और हम गोरखपुर के लोग अपने 1.25 लाख शिक्षा प्रेरक साथियों के लिए आज 50वें दिन फिर यहाँ धरने पर बैठने के लिए बाध्य हो गए। हम लोगों का बकाया मानदेय नहीं मिल रहा है, संविदा भी हम लोगों की 31 मार्च को समाप्त कर दी गई। अभी हम लोग संविदा वृद्धि और सम्मानजनक मानदेय और बकाया भुगतान के लिए लगातार संघर्षरत हैं। आने वाले दिनों में हम लोग व्यापक तौर पर पूरी रणनीति के साथ सड़कों पर उतरेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो महानगर बंदी का ऐलान भी किया जाएगा। सभी व्यापारियों से और छात्र संगठनों से और भी संविदा के ट्रेड से हम लोग समर्थन लेकर के महानगर बंदी का ऐलान भी हम लोग करेंगे और हम लोग जब तक हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहें।